हेलो एवरीवन, आई एम विनीत शर्मा एंड वेलकम टू ई साइंस जोन द स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेक्चर नंबर थर्ड। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन जिसमें हमने डिस्कस किया था कि रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन के अंदर हम न्यूक्लियाई को इंट्रैक्ट करवाते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस होती है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी को जब न्यूक्लियस के साथ में इंटैक्ट करवाते हैं तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी डिस्कवरी 1945 के अंदर की गई थी एंड 1952 के अंदर इसको नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन हम कौन सा यूज करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो इसके अंदर हम 3 MHz टू 30,000 MHz के अराउंड फ्रिक्वेंसी को यूज करते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन का हम यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ कंडीशंस हमने देखी थी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें किस किस टाइप के न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हमें देखने को मिलता है ऑड मास न्यूक्लियाई, जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हमने देखने को मिलता है इवन मास न्यूक्लियाई, जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। एंड थर्ड वन इज इवन मास न्यूक्लियाई, जिसमें हमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों ही इवन नंबर के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हमने इसका बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस किया था कि मेनली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पिन ट्रांजिशन को शो करती है, जिसके अंदर एक अल्फा स्टेट या अल्फा स्पिन बीटा स्पिन की तरफ ट्रांजिस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर, न्यूक्लिया के अंदर क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद हमने इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखा था। सबसे पहले है सैंपल होल्डर, मैग्नेटिक कॉयल, पैरामैग्नेटिक, पैरा परमानेंट मैग्नेट, स्वीप जनरेटर, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर, आरएफ डिटेक्टर, रिकॉर्डर एंड रीड आउट। ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे जो कि एक इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में सिलेक्शन रूल हमने डिस्कस किया था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं, कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। तो जो न्यूक्लियाई चाहे उसके नंबर एटॉमिक मास ऑड हो या फिर एटॉमिक नंबर ऑड हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ऑड देखने को मिलती है तो वो न्यूक्लियर एनएमआर एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर दोनों ही केसेस हमें इवन नंबर के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो एटॉमिक मास इवन नंबर में हो, चाहे वो एटॉमिक नंबर इवन नंबर में हो, दोनों अगर इवन नंबर में देखने को मिले तो वो एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियर के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि शील्डिंग एंड डीशील्डिंग प्रोटॉन्स क्या होते हैं एंड अपफील्ड एंड डाउनफील्ड टाइप की कंडीशंस क्या होती है, केमिकल शिफ्ट के अंदर इसका क्या रोल होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का हमारे शील्डिंग एंड डीशील्डिंग, अपफील्ड एंड डाउनफील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो हमने डिस्कस किया था कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होंगे डीशील्ड की तरफ वो मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उतने ज्यादा वो अपफील्ड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, या फिर शील्डेड रीजन की तरफ वो मूव करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन इज एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी का मतलब होता है कि नॉन यूनिफॉर्म, जहां पे हमें नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें कि जब हम एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, और अगर डिफरेंट वैल्यू आती है डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करने पे, तो उसको हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, अगर मैं यहां से इसकी लेंथ को कैलकुलेट करता हूं और ये आती है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां से मैं अगर इसको ऑब्जर्व करता हूं इसकी लेंथ आती है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप की एग्जाम्पल देखने को मिलता है जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करने पर जो लेंथ आती है वो डिफरेंट आती है, ठीक है। तो जब हमें डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिले डिफरेंट डायरेक्शन से ऑब्जर्व करने पे, उस इफेक्ट को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है। या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन हो सकती है कि वेरिंग इन मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट। डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जब हमें रिजल्ट की मैग्नीट्यूड में डिफरेंस देखने को मिले, उसको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी की, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें एरोमेटिक रिंग की, एल्कीन की, एल्काइंस की एंड कार्बोनिल ग्रुप्स की, तो उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें देखने को मिलता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स
जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है वो नॉन यूनिफॉर्म मैनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट आता है, प्रोटॉन्स की वजह से उसके अंदर डीशील्डिंग इफेक्ट आता है, तो इसकी वजह से वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि जब हम अप्लाई करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। उसमें सबसे पहला मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी में सबसे पहला एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, जो टाइप होती है वो है डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी। डायमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी को सेकंड नाम से ही बोला जाता है, डायमैग्नेटिक शील्डिंग या फिर डायनेम मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। डायमैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब क्या है कि जब मान लीजिए एक न्यूक्लियाई है, इस न्यूक्लियाई के अंदर एक्सटर्नल या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलेट करते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। उनके द्वारा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, तो उससे शील्डिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इसको डायमैग्नेटिक इफेक्ट इफेक्ट क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक इफेक्ट। एंड इसको शील्डिंग इफेक्ट इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो हमने अप्लाई किया था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू मान लीजिए B0 है, ठीक है। ये हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये B0 की वैल्यू हमारे न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक शील्डिंग। सेकेंड इसका टाइप आता है पैरामैग्नेटिक डी शील्डिंग एनाइसोट्रॉपी। पैरामैग्नेटिक डी शील्डिंग एनाइसोट्रॉपी, डायमैग्नेटिक शील्डिंग के अंदर हमें क्या देखने को मिला था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से शील्डिंग देखने को मिलती है। पैरामैग्नेटिक डी शील्डिंग में हमें क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स के बजाय यहाँ पे प्रोटॉन्स का सर्कुलेशन होता है। प्रोटॉन की सर्कुलेशन की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हमें प्रोटॉन्स का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस देखने को मिलता है, जिससे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रीइन्फोर्स होता है प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डी शील्डिंग में सेम डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस देखने को मिलेगा, लेकिन शील्डिंग के अंदर हमें अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस देखने को मिलेगा, जिससे हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया था वो वैल्यू सेम नहीं पहुंच पाते, ठीक है। इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक डी शील्डिंग, द मोशन ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इन्फोर्स द एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, ठीक है। जब हम बात करें कि ये एक इलेक्ट्रॉन का और ये एक प्रोटॉन का सर्कुलेशन है, मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो जो प्रोटॉन होंगे वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, मतलब कि प्रोटॉन हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो क्लॉकवाइज सर्कुलेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेट करता है। जब काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होती है तो उसके अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमें इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस देखने को मिलता है, जिसको हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन प्रोटॉन के केस के अंदर ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर देखने को मिलता है, और अपवर्ड डायरेक्शन में ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रोटॉन्स हैं वो स्पाइरल क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो काउंटर क्लॉकवाइज अपनी रोटेशन को शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमने प्रोटॉन के ऊपर अप्लाई किया है, एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मान लीजिए ये एक प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है, तो जो हमारे प्रोटॉन्स होंगे वो क्लॉकवाइज अपनी क्लॉकवाइज
सर्कुलेशन को शो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज अपनी सर्कुलेशन को शो करेंगे। ठीक है, तो जब एंटी क्लॉकवाइज वो सर्कुलेशन को शो करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारा कुछ रीजन अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का शो कर रहा है एंड कुछ रीजन सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने को शो कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो रीजन है ये हमारा सेम डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो ये जो अपना सर्कुलेशन देखने को मिलता है ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। ये जो एरिया है जहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिले, इसको बोला जाता है शील्डिंग रीजन। और ये जो एरिया जिसके अंदर हमें सेम डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं डी शील्डिंग रीजन। ठीक है, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस समझ लेते हैं बेंजीन रिंग का, जिसके अंदर रिंग के अंदर हमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलते हैं बेंजीन रिंग के अंदर, जो कि सर्कुलेट करते रहते हैं। ठीक है, और इसी के कॉर्नर के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं प्रोटॉन्स। ठीक है, सिक्स प्रोटॉन्स हमें देखने को मिलते हैं इसकी कॉर्नर्स के ऊपर। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं तो वो एक शील्डिंग रीजन को जनरेट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे तो वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जाता है तो वहां पे प्रोड्यूस होने वाले रीजन को बोलते हैं शील्डिंग रीजन। और शील्डिंग रीजन जनरेट होने का रीजन ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेंगे, और अपोजिशन की वजह से जो न्यूक्लियाई है वो बी नॉट या फिर बी एक्सटर्नल जो हमने अप्लाई किया था उस वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व नहीं कर पाता। इन केस ऑफ प्रोटॉन्स, जब प्रोटॉन सर्कुलेट करते हैं तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाला रीजन होता है वो डी शील्डिंग रीजन होता है, जो कि सेम डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, सेकेंड केस हमें देखते हैं एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट इन एल्किन्स। एल्किन्स का एल्किन्स के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का जो रीजन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का रीजन है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलेट करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में अपना एक्सटर्नल इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने की वजह से यहाँ पे शील्डिंग रीजन जनरेट होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रोटॉन्स के केस के अंदर, तो प्रोटॉन्स हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन के अंदर अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं वो हमारे डी शील्डिंग रीजन के अंदर आते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये जनरेट क्रिएट होता है कि जो बेंजीन रिंग है, रिंग के जो प्रोटॉन्स हैं वो डी शील्डिंग रीजन को या डी शील्डिंग प्रोटॉन्स को शो करता है। एल्कीन भी डी शील्डिंग प्रोटॉन्स को शो करती है। ठीक है, लेकिन जो एसिटाइलिन है वो हमारा शील्डिंग रीजन के प्रोटॉन को शो करती है। ऐसा क्यों? तो लास्ट केस हम देख लेते हैं एसिटाइलिन ग्रुप का। एसिटाइलिन के प्रोटॉन में क्या होता है कि हमारे जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, ये जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, मान लीजिए यहाँ पे एच है, ये हमारे जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं ये हमारे शील्डेड रीजन के अंदर आते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन्स हमारे एसिटाइलिन ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो शील्डेड रीजन के अंदर आते हैं, इसीलिए यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है एसिटाइलिन प्रोटॉन के अंदर। लेकिन इन केस ऑफ बेंजीन एंड इन केस ऑफ एल्कीन ऐसा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, बिकॉज वहां पे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो डी शील्डिंग रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे जो एरिया है ये डी शील्डिंग रीजन है, ये जो एरिया है ये डी शील्डिंग रीजन है, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन देखने को मिलता है वहां पे हमारा शील्डिंग रीजन होता है, और हमारे जो एसिटाइलिन ग्रुप के जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन के पास में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एसिटाइलिन जो प्रोटॉन होते हैं वो शील्डिंग इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज हाइपरफाइन शिफ्ट। हाइपरफाइन शिफ्ट को हम अगर बेसिक टर्म में अगर देखें तो ये शील्डिंग टू डी शील्डिंग रीजन है, उसके बीच का जो गैप देखने को मिलता है, केमिकल शिफ्ट के अंदर जो गैप देखने को मिलता है शील्डिंग टू
या फिर डी शील्डिंग टू शील्डिंग के गैप का के बीच का जो गैप देखने को मिलता है उसी को हम हाइपरफाइन शिफ्ट बोलते हैं। इसको अगर अनदर टर्म में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो डायमैग्नेटिक शील्डिंग टू पैरामैग्नेटिक डी शील्डिंग एनवायरमेंट के बीच का जो डिफरेंस देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं हाइपरफाइन शिफ्ट, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस, एंड किसी को भी अगर कोई क्वायरी हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है।